मीरा, मैं ऊपर जाके कपड़े धो के आ रही हूँ। सब भीग गए हैं। हाँ ठीक है दीदी। कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। एक तो बारिश भी नहीं रुक रही, ऊपर से बिजली भी चली गई। क्या करूं अब? ओह, आ गई। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई? यही तो थी।
भैया। हाँ? आपने मीरा को देखा क्या? मैंने नहीं देखा। मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, आके देखा तो रूम में नहीं थी वो। आप मोबाइल पे फोन करके देखो। यही तो प्रॉब्लम है, वो फोन भी नहीं ले गई। बगल के रूम में देखा क्या? नहीं। अरे यहीं आसपास होगी, कहाँ जाएगी? ठीक है, देखती हूँ। इतनी रात को ऑनलाइन? मीरा को कहीं देखा क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं कपड़े धोने के लिए गई थी, उस वक्त तो वो नहा रही थी, आके देखा तो वो रूम में नहीं थी, फोन भी यहीं है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम जरा मेरे साथ चलोगी? माया, मैं अभी आ रही हूँ। अब ये लैपटॉप बंद करो तुम। मीरा यहाँ आई क्या? नहीं, क्या हुआ? मैं कपड़े धो के आई तो वो रूम में नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ, एक बार आओ ना। हाँ, ओके। मीरा यहाँ आई थी क्या? नहीं, यहाँ नहीं आई। तो फिर ये कहाँ जा सकती है? अब क्या करें पूजा? एक काम करते हैं, हम सिक्योरिटी के पास चलते हैं, उससे एक बार और पूछ के देखते हैं। आओ चलो। भैया, मीरा आई क्या? नहीं आई। मैंने सब देखा, जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बाहर तो गई नहीं। एक बार कंपाउंड के अंदर देखे क्या? हाँ चलो देखते हैं, चलो। अब ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा पूजा, अब हमें मीरा के पति को फोन कर ही लेना चाहिए। ये सही कह रही है पूजा, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो बात हम पे ही आएगी, और देखो इतनी देर भी हो गई है। अभी बता दो मीरा के पति को, हमारे पास कोई चारा नहीं है, वही आके देखेगा कि मीरा कहाँ गायब है। सही कहा, यही सही रहेगा। हेलो, हाँ मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ क्या हुआ पूजा? क्या उसने नहीं बताया कितनी रात को वो कहाँ जा रही है? हाँ ठीक है, मैं भी आता हूं। भाई आप घर पर हो या फिर ड्यूटी पर? आपसे तुरंत मिलना है मुझे, अभी इसी वक्त। हमें एक जगह जाना है, मीरा के हॉस्टल जाना है। मीरा गुम हो गई है, अभी 11 बज रहा है। नहीं भाई, हमें जाना ही होगा अभी, मैं घर पर ही हूं। ठीक है।
मीरा क्या हुआ? पूरे हफ्ते में तुम मुझे दो बार मिलती हो। अच्छा क्या हुआ बताओ? तुम्हें सच में नहीं पता संजय, तुम क्या चाहते हैं वो बताओ। इतनी सी कमाई से हम दोनों की जिंदगी अच्छे से कैसे चलेगी? जब मैं तुम्हारे घर शादी करके आई थी तब तुमने मुझसे क्या कहा था? वो सारे वादे तुम भूल गए हो और ऐसी जिंदगी मैं नहीं चाहती। तुम मुझे अभी रिजाइन करने के लिए कह रहे हो ना? मैं तुम्हारी तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहती, पर मेरी भी बात समझो ना संजय। और वैसे भी जब तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं रिजाइन कर दूंगी, ठीक है ना? अभी 11:30 बज रहा है, सोचो अभी वो कहां गई होगी। उसका और कोई दोस्त? मैं नहीं जानता सुलेमान, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। पूजा ने मुझे बताया कि वो फोन भी लेकर नहीं गई। मैंने उसे कई बार समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती, और यही नहीं हमेशा वो अपने मन की करती है। इसी वजह से मैंने एक बार उस पर हाथ भी उठाया था। उसे हॉस्टल में क्यों रखा था? रोज आती जाती रहती। रोज आने जाने में उसका इतना ज्यादा समय खराब होता था, इसीलिए मैंने उसे हॉस्टल में छोड़ा। अभी वो कहाँ काम करती है? शहर में एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसी में काम करती है। कौन है ये? पूजा? वो उसकी रूममेट है, दोनों साथ में काम करती हैं। मीरा संजय से मिलने हर संडे आती है? हाँ वो हर संडे आती है। लगता है यहाँ पर बहुत बारिश हुई है। हॉस्टल के लिए गाड़ी है क्या? इस समय तो मिलना मुश्किल है। सर ये है पूजा। उस दिन क्या हुआ था? रात को लगभग 7:10 का समय हुआ था जब हम हॉस्टल पहुंचे थे। उस वक्त बहुत बारिश हो रही थी। ये लो मैम। चलो। अरे यार मैं भीग रही हूँ, जब छाता नहीं लेके आती बारिश को भी तभी आना होता है। जल्दी चलो। जब हम कंपनी से निकलने वाले थे तभी मैंने कहा था कि बारिश होने वाली है। देखा तुम्हारी बात बारिश ने सुन ली और बारिश होने लगी। लेकिन दीदी मैं नहीं चाहती थी कि बारिश हो, बारिश तो एकदम से अचानक से आ गई ना। अच्छा हाँ।
हेलो। हाँ, मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं, उससे कह दो कुछ दिनों बाद आए। हाँ ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, यहाँ बहुत बारिश हो रही है। हाँ मैं फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है। आ गई? हाँ। कहाँ गई थी, बहुत देर हो गई? शोरूम से निकलने में ही देर हो गई भैया। हाँ, पावर आता है जाता है और बिजली भी चमक रही है, इमरजेंसी लाइट रखिए। वो तो है, मैंने तो कहा ही था। हाँ ये तो कमरे में आते ही बाथरूम में घुस गई। मीरा, मैं ऊपर जाके साड़ी धो के आ रही हूँ, पूरी भीग गई है। ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश भी नहीं रुक रही, ऊपर से बिजली भी चली गई, क्या करूं अब। ओह आ गई। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई अब। उसके बाद मैंने उसे हॉस्टल में सब जगह पे ढूंढा,
लेकिन कहीं भी मुझे मीरा नहीं मिली। फिर सिक्योरिटी और हम सब ने मिलकर उसे हॉस्टल के कंपाउंड में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। जब तुम कमरे में आई उस समय मीरा रूम के अंदर नहीं थी। कुछ समय बाद बाहर से कोई आया, किसी ने देखा? अलार्म क्लॉक टेबल पर पड़ी हुई थी और मीरा का फोन फर्श पे गिरा हुआ मिला। इसके अलावा और कुछ नहीं देखा। मीरा का यहां कोई दोस्त है क्या? आई मीन बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसे किसी दोस्त को मैं तो नहीं जानती। क्या वो इससे पहले भी कभी गई थी इसी तरह बिना बताए? क्या कुछ याद है तुम्हें? नहीं सर। क्या तुम्हारे जानकारी में कोई उसका ऐसा परिचित है जिसका उसके पास कॉल आया हो? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है। तुमने जिस जगह अपने कपड़े धोए थे, मैं उस जगह को देखना चाहता हूं। हाँ, आइए सर। आइए सर। तुम जिस समय कमरे में आई, मीरा नहा रही थी, सही है ना? मीरा जब अंदर आई तो किसी ने उसे देखा था क्या? नहीं सर। मतलब मीरा को बाथरूम जाते वक्त तुमने देखा, उसके बाद मीरा नजर नहीं आई, यही कहना चाहती हो? हाँ सर, इधर। मुझे ये बताओ, इतने सारे कपड़े धोने में तुम्हें कितना समय लगा होगा? मैक्स टू मैक्स आधा घंटा सर। तुम ये बताओ कि टेरिस पे कितना समय लगा? यही कोई आधा घंटा सर। आधा घंटा? ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। जब तुम कपड़े धो रही थी तो तुमने कहा कि अंधेरा हो गया था, यही है ना? पूजा, ये बताओ कि जब तुम कपड़े धो रही थी तो बिजली कितने बजे गई थी? कपड़े बदलने के बाद जब मैं उन्हें धोकर टेरेस पे सुखाने के लिए गई तब बिजली गई। कपड़े धोने में मुझे लगभग 10-15 मिनट लगे होंगे सर। फिर कितनी देर के बाद बिजली आई थी? उसके 10 मिनट के बाद बिजली आ गई थी सर। तुम्हारे कमरे की चाबी और किस किस के पास है? मीरा के पास रहती है, लेकिन जब मीरा अपने घर जाती है तो चाबी मुझे दे के जाती है, तब मेरे पास होती है। हॉस्टल में आते वक्त वहाँ तुम्हारे रूम के पास दो लड़कियाँ थीं, क्या उन दोनों का तुम मुझे नाम बता सकती हो? हाँ बिल्कुल, बीना और राखी। मैं उन लड़कियों से मिलना चाहता हूँ। ओके सर। मेरी जानकारी के मुताबिक आप दोनों ने ही मीरा को आखिरी बार देखा, मतलब पूजा कमरे में थी और मीरा बाथरूम में नहा रही थी, फिर अचानक से मीरा की आवाज पूजा ने सुनी। मतलब जिस समय मीरा रूम में गई थी तो सिर्फ आप लोगों ने देखा था, सही है ना? हाँ सर। उस वक्त मीरा किस हाल में थी, क्या मुझे बता सकती हैं? बहुत बारिश हो रही थी और मीरा पूरी तरह से भीगी हुई थी, और उसके अलावा हॉस्टल के गेट पे पूजा फोन पे किसी से बात कर रही थी। तब समय क्या था? उस वक्त 7 बजे होंगे, 7:10 या 7:15 भी हो सकते हैं। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो मीरा हम दोनों के सामने से गई। मीरा के अंदर जाने के बाद हम लोग 10 मिनट तक बात करते रहे, और हमारे वहाँ से जाने से पहले पूजा भी अपने रूम के अंदर गई। पूजा के आने के 5 मिनट बाद हम लोग भी अंदर चले गए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप लोगों के हिसाब से पूजा वॉशरूम चली गई थी और आप लोग भी चले गए थे? हाँ सर, क्योंकि पूजा को बाहर आते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन मैंने इन दोनों को वहाँ पर देखा था। जब मैं कपड़े धोने जा रही थी तभी मैंने देखा बीना मेरे सामने थोड़ी दूर से जा रही थी, राखी भी उसी समय मेरी ओर आ रही थी। पूजा, तुम सही बोल रही हो,
लेकिन इन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा। राखी तुम क्या कहती हो? बीना और पूजा दोनों सही बोल रही हैं सर। मीरा जब अपने रूम में गई उस वक्त हम लोग बातें ही कर रहे थे। बीना ने जैसा आपको बताया हम लोग काफी देर तक वहीं बातें कर रहे थे, उसके बाद हम वहाँ से चले गए। पूजा वॉशरूम के लिए गई या नहीं गई ये हमने नहीं देखा सर। मीरा ने तुम्हें देखा था क्या? देखा होगा सर, पर हम लोग वहाँ से बहुत दूर खड़े थे। पूजा जब तक कमरे से बाहर आती हम दोनों वहाँ से चले गए थे सर। क्या नाम है तुम्हारा? रशीद। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? एक साल से। और उससे पहले? सुपरमार्केट में काम किया था। अब मुझे ये बताओ ड्यूटी तुम्हारी कब शुरू होती है? 6 बजे। अच्छा ये बताओ आखिरी बार तुमने कितने बजे पूजा और मीरा को हॉस्टल में आते देखा था? 7 बजे के आसपास सर। 7 बजे? 7 बजे या 7:30 बजे? नहीं सर, 7:10 या 7:15 बज रहा होगा। उस दिन बारिश हुई थी क्या? हाँ सर, तेज बारिश हो रही थी, पावर आ रहा था जा रहा था, इसलिए मैंने इमरजेंसी लाइट रखने के लिए बोला था। यहाँ जनरेटर नहीं है? नहीं सर। किसको इमरजेंसी लैंप रखने को बोला? पूजा से। हॉस्टल के बाहर से कोई आता है क्या? I mean, कोई आदमी? रात में तो कोई नहीं आता सर, लेकिन दिन में मैं नहीं जानता हूँ सर। अच्छा ये बताओ उस रात मीरा को जब तुमने हॉस्टल में देखा था तो फिर उससे पहले या बाद में तुमने हॉस्टल में कोई गतिविधियां देखी? ऐसा कोई परिचित जो यहाँ आया हो? नहीं सर। मीरा जब हॉस्टल में आई तो तुम क्या कर रहे थे? बारिश में मेरे रूम में ऊपर से पानी टपकता रहता है और अगर नीचे बर्तन ना रखूं तो पूरा रूम पानी से भर जाता है, इसलिए मैं बर्तन रखने गया था। आप आ गई? हाँ। कहाँ थी? इतनी देर कैसे हो गई? शोरूम से निकलने में ही देर हो गई भैया। हाँ पावर आ रहा है जा रहा है, बिजली भी चमक रही है, इमरजेंसी लाइट तो रख लो। उसके बाद 8 से 8:30 बजे के बीच पूजा वापस मुझसे मिलने आई थी और मीरा के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने सभी रूम में देखने के लिए कहा। कुछ देर बाद हम सब लोग मिलकर वहां पर ढूंढे पर मिली नहीं। एक काम करो। हाँ। कल सुबह 11 बजे तुम यहाँ आ जाना। ठीक है सर। क्या मीरा से किसी को कोई प्रॉब्लम थी या ऐसा कोई जिसे मैं नहीं जानता? मीरा को कोई प्रॉब्लम हुई हो या उसकी ऐसी किसी से दोस्ती, ऐसा तो उसने कुछ बताया भी नहीं कभी। वो हमेशा खुश रहती थी, ना कभी किसी से कोई झगड़ा, ना कभी किसी को बिना वजह फोन करती थी और ना ही कभी उसे फेसबुक अकाउंट यूज करते हुए देखा मैंने। संजय अभी हमें यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है, हम कल वापस आएंगे। मुझे कुछ और जानकारी भी लेनी है। लेकिन चलो संजय मुझ पर भरोसा रखो, मैं मीरा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हमें यहां से निकलना चाहिए क्योंकि काफी रात हो गई है। सुबह होने वाली है। सोलेमन मेरी मीरा को कहीं कुछ? कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। सोलेमन इस दुनिया में मेरा उसके सिवा कोई नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो। संजय मैंने कहा ना मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पुलिस में हम कंप्लेन करें क्या? एक दिन और इंतजार करते हैं, अगर नहीं मिली तो फिर हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे। पूजा जिस वक्त कपड़े धोने गई थी आधे घंटे तक वो मीरा से नहीं मिली, मीरा तब कहां थी? उस वक्त बिजली भी चली गई थी और कमरे की चाबी भी मीरा के पास थी। मीरा जब आई राखी और बीना दोनों वहीं पर थी।
तो उस वक्त मीरा ने ही दरवाजा खोला होगा और अंदर कोई नहीं रहा होगा और अंदर जाने का किसी को मौका भी नहीं मिला होगा। तो ऐसे में मीरा बिना बताए किसी को आखिर चली कहां गई, जबकि रूम के बाहर वो दोनों राखी और वीना आपस में बात कर रही थी। यही ना, तो फिर मीरा गायब कहां हो गई? चिंता मत करो मीरा, सब ठीक हो जाएगा। हमारा ये प्यार सही साबित होगा, तुम फिक्र मत करो। मीरा, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, हमने एक दूसरे से प्यार किया है, शादी भी करेंगे। मीरा, मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पापा मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं। सबके पापा ऐसे ही होते हैं, हर पिता को अपनी बेटी पर अभिमान होता है, उन्हें भी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो हमें समझेंगे। नौकरी रिजाइन करने की बात पर तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था क्या, या फिर कोई बहस हुई हो? नहीं सोलेमन, हम दोनों में थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती थी, पर इतनी सी बात पे वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। उसकी नौकरी से रिजाइन करने की बात से हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन ये हम दोनों में कोई नई बात नहीं थी। तो फिर बाद में रिजाइन को लेकर मीरा मान गई थी? हाँ, वो मान गई थी। मुझे इस कमरे की तलाशी करनी है, आप लोग बाहर जाइए प्लीज। पूजा तुम यहीं रुको। मेरी साड़ी है सर। ये भी सर।
इस अलमारी में जो भी रखा है वो मेरा ही है। वैसे तुम्हारा पति क्या करता है? LIC एजेंट है। संजय, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। संजय, जिंदगी को शुरू किए 6 महीने भी नहीं हुए और उसके पहले ही तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? संजय, अब मीरा को कुछ नहीं हुआ है। संजय, कुछ नहीं हुआ तो आखिर मीरा है कहाँ? मैंने उसे कितनी बार समझाया कि नौकरी मत करो, लेकिन उसने कहा तुम्हारे के लिए कमाई से घर नहीं चलेगा। गलती मेरी है, मैंने उसका कैरियर भी खराब किया और उसकी जिंदगी भी। संजय, यहाँ कितने कमरे हैं? सर, यहाँ पर 13 या 14 कमरे हैं, लेकिन सिर्फ 10 कमरों में ही लड़कियां रहती हैं। 1 या 2 दिन में यहाँ कोई ना कोई आता रहता है। यहाँ कोई वार्डन नहीं है? परमानेंट तो नहीं है, लेकिन एक लेडी है जो कभी कभार आती है। जब तुम टेरेस से उतर रही थी तो मीरा के अलावा और कोई भी साथ में था क्या? रोज शाम को मैं, मीरा, निर्मल और जोस एक साथ ही निकलते हैं सर, और कल भी हम एक साथ ही निकले थे सर। ये लो बेटा, पी लो, बाकी के पैसे भी काट लेना। एक मिनट रुकना। ठीक है, मैं ऑरेंज ले लेती हूँ। भैया, आधा किलो ऑरेंज देना। आज आधा किलो क्यों? आज के लिए काफी है, कल का कल ले लेंगे। मुझे देर हो गई है, अगर तुम्हारे साथ रुकूंगी तो बस मिस हो जाएगी, तो मैं चलती हूँ। देखो पूजा, वो जा रही है। तुम चलो, बस मिस मत कर देना, हम लोग आते हैं। आ जाओ ऑटो, चलो बैठो, चलो कल मिलते हैं। ओके भैया, हॉस्टल ले लो। हाँ मैडम, बाय। मीना, तुम कहाँ काम करती हो? पास के IT कंपनी में काम करती हूँ। और कब से यहाँ रह रही हो? लगभग 3 महीने से सर। मीरा और पूजा, इन दोनों से तुम्हारी अच्छी दोस्ती है क्या? नहीं सर, हमारी दोस्ती तो नहीं है, लेकिन एक ही हॉस्टल में रहते तो हाय हेलो हो जाती है। तो फिर मीरा और पूजा में कैसी दोस्ती है? सर, पूजा और मीरा बिल्कुल बहन की तरह रहती हैं। मैंने तो उन्हें हमेशा ऐसे ही देखा है। मीरा भी पूजा की बहुत रेस्पेक्ट करती है। ठीक है, ये बताओ, कुछ दिन पहले इन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा। नौकरी से छूटने के बाद पूजा और मीरा हॉस्टल में कितने बजे आती थीं? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती सर, लेकिन इवनिंग में 5:30 तक आ जाती थीं। देर हो जाती थी क्या कभी कभी? मैंने नोटिस नहीं किया सर। ओके, थैंक यू। हाँ, राखी हॉस्टल में कब आती हो? 6 बजे से पहले आ जाती हूँ सर। राखी, पूजा और मीरा में दोस्ती कैसी थी? वो बहुत अच्छी सहेलियाँ थी।
मैंने यही बात जब बीना से पूछी तो बीना ने कहा वो दोनों पूजा और मीरा आपस में झगड़ा करती थी। किस वजह से वो दोनों झगड़ा करती थी? वो दोनों हमेशा तो कभी नहीं झगड़ती थी सर। एक बार जब मैं उनके कमरे के पास से गुजर रही थी तब मैंने उनकी बातें सुनी थी सर। क्या बातें सुनी थी तुमने? किस बारे में बातें हो रही थी? यही कि मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बस यही बातें। मुझे ये बताओ कितना समय लगता है शहर से हॉस्टल आने में? मैक्सिमम 20 मिनट लगता है सर। शहर से हॉस्टल आने के कितने रास्ते हैं? पीछे एक छोटा सा रास्ता है सर, लेकिन उस तरफ कोई नहीं जाता, वहाँ पूरा कचरे का अंबार लगा हुआ है सर, घास उगाया है सर। जब तुमसे सवाल पूछूं तब जवाब देना। ये बताओ कि आज ऑफिस से कितने बजे निकली? नॉर्मली तो हम 5 बजे निकलते हैं सर, लेकिन कल काम ज्यादा था तो 5:30 बजे निकले। मैं मरीन और जोस से मिलना चाहता हूँ। मरीन बोल रही थी कि वो आने वाली है, जोस को फोन लगाया तो लगा नहीं, लगते ही आने को बोलती हूँ। मुझे पीछे का रास्ता दिखाओ। ओके सर। मीरा बहुत अच्छी लड़की है सर, वो किसी से फोन पे भी बेकार की बातें नहीं करती और ना ही मैंने कभी उसे झगड़ते देखा। मरीन, तुम्हें पता होगा कि कल रात से मीरा गायब है। मरीन, जैसा तुमने कहा कि मीरा एक अच्छी लड़की है, तो फिर वो कहाँ गई? क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया या फिर कोई और कारण रहा होगा? मुझे ये बताओ कि उसमें कुछ दिन से तुमने मरीन कोई बदलाव देखा था क्या? नहीं सर, वो तो आज सुबह हमारे साथ मस्ती कर रही थी, बहुत अच्छे मूड में थी और मैंने देखा वो बहुत खुश लग रही थी सर। छोटी सी बात पे उसका मूड ऑफ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता सर। अच्छा ये बताओ तुम ऑफिस से कब आती हो? नॉर्मली 5 बजे तक आ जाती हूँ सर, पर आज कुछ ज्यादा भीड़ थी तो मैं 5:30 तक निकली। उसके बाद क्या हुआ बताओ? बस स्टॉप के पास हम लोग फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए वहाँ रुक गए थे, बस मिस हो जाएगी ये सोच के जोश पहले ही वहाँ से निकल गई थी। फ्रूट की दुकान से थोड़ा आगे जाके मीरा और पूजा ने एक ऑटो को रोका और वो दोनों उसमें बैठ के वहाँ से चली गई। मीरा और पूजा के जाने के बाद तुम वहाँ से कब निकली ये बताओ? ठीक 10 या 15 मिनट बाद मेरी भी बस आ गई थी सर। मरीन, तुमने स्टैंड से बस पकड़ी? नहीं, मुझे वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग जहाँ से फ्रूट खरीद रहे थे वहाँ से 5 मिनट चल के जाएंगे तो बस स्टॉप है। तुम्हें फल की दुकान से स्टैंड जाने में कितना समय लगता है? 10 से 12 मिनट लगते होंगे सर। क्या इस समय बस स्टैंड से बस मिल सकती है? हाँ सर। आज तुम कितने बजे घर गई थी, मेरा मतलब जब बस में बैठी तो समय क्या था? 6:15 बजे होंगे सर। अब मेरे आखिरी सवाल का जवाब दो, मीरा गायब है ये तुम्हें कैसे पता चला? पूजा ने बताया था। कब? कल रात या आज सुबह? आज सुबह सर। ओके थैंक यू, तुम जा सकती हो। ठीक है सर। अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस में कंप्लेंट करना ही होगा, फिर वो लोग अपना काम करेंगे। सुलेमान, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ, तुम टेंशन मत लो संजय, हम मीरा को ढूंढ लेंगे। वैसे मीरा को कितनी सैलरी मिलती थी? 8,000 रुपये। सर दूसरी लड़की भी आ गई है, उसका नाम जोश है। हाँ उसे बुलाओ। अरे सुनो, तुम संजय को पुलिस स्टेशन लेकर चलो। अच्छा ठीक है सर। जयशिका, तुम कितने सालों से टेक्सटाइल में काम कर रही हो? यही 1 साल से सर। तुम चारों लड़कियां एक ही डिपार्टमेंट में हो ना? हाँ सर, हम सब सेल डिपार्टमेंट में हैं सर। जोस, अब ये बताओ तुम मीरा को कब से जानती हो? हमने एक ही साथ काम स्टार्ट किया था, ये समझ लीजिए बस कुछ दिन ही आगे पीछे रहे होंगे हमारे ज्वाइनिंग में। तो मतलब
एक साल से जानती हो? हाँ सर। जोस, तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं सर। तुम कल कितने बजे ऑफिस से बाहर निकली थी? 5:30 बजे। चारों एक साथ निकली थी? हाँ सर। उसके बाद पूजा फल के दुकान पे चली गई, तो उसे आने में देर हो गई होगी, तो फिर तुम चली गई होगी? जी सर। देर हो जाती तो तुम्हारी बस मिस हो जाती, ये मरीन ने कहा था। तुम्हें कितने बजे बस मिली और अगली बस कितने बजे थी? 6:10 की मिली सर, अगर वो छूट जाती तो 6:50 की मिलती। मरीन जब तक फल की दुकान पर थी तब तक तो तुम जा चुकी थी? हाँ सर। तब समय क्या हुआ था? 5:50। फल की दुकान से बस स्टैंड जाने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 15 मिनट। मरीन और पूजा के पति क्या काम करते हैं, क्या तुम जानती हो? बताओ मुझे। मरीन का हस्बैंड टाइल्स का बिजनेस करता है सर, और पूजा का हस्बैंड LIC एजेंट है। ठीक है, थैंक यू जोस तुम्हारी मदद के लिए। मैं जाऊं सर? ठीक है, जाओ। घटनास्थल पर मैं खुद सामने आऊंगा, लेकिन शुरू से तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये मैं अपने तरीके से सोच रहा हूं। हो सकता है मिस्टर रोशन। अभी तक के जांच पड़ताल में मुझे ये पता चला है मिस्टर रोशन कि मीरा का ना किसी से कोई गैर रिश्ता था और ना ही उसका किसी से कोई झगड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो रेप अटेम्प्ट की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसका कारण शहर से हॉस्टल की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। ये गर्ल्स हॉस्टल कुछ इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी बाहरी इंसान बिना इजाजत के अंदर नहीं जा सकता है। हो सकता है कि मर्डर हुआ हो या किसी ने किडनैप किया हो। हॉस्टल में पता चला कि किसी ने कुछ नहीं देखा। आप भी अपने हिसाब से जाकर तसल्ली कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो था यही था, ये मेरा विश्वास है। यही है सर, इसी ने उन दोनों को हॉस्टल छोड़ा था। क्या नाम है तुम्हारा? सत्या। जैसा नाम है तुम्हारा, मेरे सवाल का जवाब भी सच्चाई के साथ देना। तुमने उसको कितने बजे के करीब हॉस्टल में उसको छोड़ा था? 7 बजे के आसपास सर। ऑटो में कितने लोग थे? 2 लड़कियां थी सर। शहर से उस गर्ल्स हॉस्टल जाने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय लगता है? मेरे हिसाब से 20 मिनट काफी हैं सर। उन्हें लेकर कितने बजे ऑटो में गए थे? 6:30 बजे सर। 6:30 बजे तुम ही उन्हें अपने ऑटो में लेकर क्यों गए थे? क्योंकि मैं उन्हें पहले भी हॉस्टल में छोड़ चुका हूँ सर, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम अपना ऑटो कहाँ पार्क करते हो? टेक्सटाइल कंपनी के सामने, वहीं पार्क करता हूँ। वहाँ पर ऑटो स्टैंड है क्या? हाँ सर। तो वो लोग स्टैंड पर जाकर ऑटो में बैठे थे? बिल्कुल नहीं सर, मैं हॉस्टल के पास से जा रहा था तो उन्होंने ही हाथ देकर रोका था। कहाँ से? होटल इंटरनेशनल के सामने। कहाँ से बताया? होटल इंटरनेशनल के सामने से। जब तुमने उन्हें ऑटो में बिठाया तो 6:30 बजे थे, क्या ये बात करेक्ट है? हाँ सर, ये बात सही है। मैंने जब उन्हें हॉस्टल में छोड़ा था तब 7 बज रहे थे। होटल इंटरनेशनल के सामने कोई फल वाला फल बेचता है क्या, अगर तुमने देखा हो? नहीं सर। अरे तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? सर मैं 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ, इस एरिया की एक एक जगह को अच्छे से जानता हूँ मैं। टेक्सटाइल के सामने तुम्हारा ऑटो स्टैंड है ये तुमने कहा? जी। टेक्सटाइल के सामने कोई दुकान है क्या, फल की दुकान? हाँ सर है। टेक्सटाइल से ये कितनी दूर है होटल इंटरनेशनल? 500-600 मीटर होगा सर। चल के जाने में कितना समय लगता है? यही कुछ 15 मिनट। होटल इंटरनेशनल के पास बस स्टैंड है? नहीं सर, अगर हमें बस स्टैंड जाना हो तो होटल इंटरनेशनल के अपोजिट जाना होगा। होटल इंटरनेशनल के सामने से जब तुमने अपने ऑटो में बिठाया तब वो लड़कियां कितनी थी, 2 थी या 3 थी? जो लड़की साथ में थी वो राखी थी। राखी? हाँ सर, सिर्फ राखी थी। तुमने दूसरी लड़की को कहाँ से पिकअप किया? सर दूसरी वाली को भी मैंने वहीं से बिठाया था, लेकिन ऑटो में केवल एक ही लड़की रुकी थी सर,
क्योंकि दूसरी वाली जो थी वो थोड़ी देर के बाद होटल इंटरनेशनल के अंदर से आई थी। कहानी कहाँ जा रही है ये मेरे समझ में नहीं आ रही सोलोमन। सब कुछ अभी अंत पे आ गया है। मीरा को किसी ने नहीं देखा। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर यस, मीरा का कत्ल हुआ है। आप सही सोच रहे हैं। कौन, किसने मारा? पूजा ने ही मीरा को मारा है जहां तक मैं जानता हूं। वैसे देखा जाए तो पूजा अकेले ये काम नहीं कर सकती। इस काम में जरूर उसने किसी न किसी की मदद लेकर मीरा की हत्या की होगी। मेरी इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ सोलोमन। लेकिन मैं सब कुछ समझ गया हूँ। बस एक क्लू की जरूरत है। बस वो मिल जाए तो मीरा को मारने के लिए पूजा ने किसकी मदद ली है सब पता चल जाएगा। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। बस एक कप चाय मिल जाए तो तुम पियोगे? नहीं। मैं पी के आता हूँ। अगर ये कत्ल है और इसमें पूजा शामिल है, तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो सोलोमन? मीरा जो अचानक गायब हुई है उसकी पूछताछ करे तो पूजा, मरीन, जोस और वो ऑटो ड्राइवर सत्या, इनसे हमें पता चल सकता है कि मीरा का कातिल कौन है। मुझे सबसे ज्यादा पूजा पर शक है। पहला कारण तो ये है कि मीरा के कमरे से जाते ही एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद पूजा कमरे में आती है। उसी समय रूम के बाहर खड़ी बीना और राखी दोनों ने ये देख लिया। लेकिन पूजा कपड़े धोने के लिए टेरेस पे गई तो किसी ने नहीं देखा। और हाँ, सिर्फ यही बात नहीं है, मैंने पता किया जब मीरा कमरे के अंदर गई तब बीना और राखी ने उसे देख लिया। लेकिन मीरा जब वापस आई तो किसी ने नहीं देखा। यहां से मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है, मीरा जब अंदर गई तो उसके पीछे से आई है पूजा। मीरा और पूजा में अंदर कुछ हुआ है ये हमें पता करना है। पॉइंट नंबर टू, पूजा का कहना है कि वो ऑफिस से निकलकर सीधा फल की दुकान पर गई, कहीं समय पर बस न मिले यही सोचकर जोस बस स्टैंड चली गई। जोस से मुझे ये पता चला कि वो समय 5:50 का था। जोस के जाने के बाद फल की दुकान के बाहर आके पूजा पैदल चली। उसी वक्त वहां पर एक ऑटो रुका जिसमें बैठ के पूजा और मीरा हॉस्टल के लिए निकल पड़ी। सिर्फ यही बात नहीं, पूजा और मीरा के जाने के बाद लगभग 10 मिनट हुए होंगे तब जाकर बस आई, मरीन तब गई। जिस वक्त मरीन बस में जाकर बैठी थी उस वक्त 6:15 बजे होंगे। जिस वक्त पूजा और मीरा ऑटो में गई वो समय अगर मरीन और पूजा सही बोल रही हैं तो 6 रहा हो, या तो 6 या 6:10, इसी बीच ऑटो को पकड़ा होगा। इसका मतलब हॉस्टल तक पहुंचने में ऑटो को 30 मिनट लगता है तो उन लोगों को हॉस्टल के सामने 6:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। जैसा कि सिक्योरिटी और चालाक पूजा ने बताया कि मीरा जिस समय हॉस्टल पहुंची थी वो समय 7:15 था। अगर रोड से हॉस्टल जाने में 10 मिनट का समय लगता है तो दोनों लड़कियां हॉस्टल के रोड पर 7 बजे पहुंची होंगी। पॉइंट नंबर 3, जोस और उस ऑटो ड्राइवर का कहना है कि 6:10 वाली बस मिस ना हो जाए ये सोचकर जोस जल्दी चली गई। अगर देखा जाए तो मरीन और पूजा की बात भी मुझे सही लग रही है। वो लोग जब ऑटो में बैठी तो जोस ने नहीं देखा, जोस का रोल वहीं खत्म हो गया। और ऑटो वाले का कहना यह है जब उन्हें हॉस्टल छोड़ा गया तब समय तकरीबन 7 बज रहे थे। अगर शहर से हॉस्टल आने को देखा जाए तो लगभग 15 से 20 मिनट काफी होते हैं। इस हिसाब से देखे तो 6:30 बजे ऑटो वाले ने उन्हें पिक किया होगा। इससे यही समझ में आ रहा है जब जोस गई उस समय 5:50 हुआ था और ऑटो वाले ने जो पिक किया था वो समय 6:30 का था। इसी बीच 5:50 से 6:30 यानी कि 30 से 40 मिनट का जो बीच का समय था, मीरा और पूजा कहां गई थी या इतने समय तक कहां थी? अगर पूजा गुमराह करने के लिए 6:30 बजे का टाइम बोल रही थी तो हॉस्टल पहुंचने का टाइम 6:30 बजे भी बोल सकती थी। रोशन, यू आर रॉन्ग। कारण ये है कि वो लोग 7 बजे हॉस्टल आए थे, ये सिक्योरिटी ने देखा था। ओ, ये भी सही है। पॉइंट नंबर 4, वो लोग होटल इंटरनेशनल क्यों गए थे, किस काम के लिए?
हो सकता है पूजा किसी से मिलने के लिए होटल इंटरनेशनल गई हो, लेकिन पूजा के साथ मीरा को उस होटल में क्या काम था? ऑटो वाले ने तो बताया कि एक ही आदमी होटल के बाहर था। ठीक है, पर मीरा पूजा के साथ किस काम के लिए गई थी? होटल में मीरा गई नहीं। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो वो लड़की पक्का झूठ बोल रही है। मरीन जब बस का इंतजार कर रही थी, वो लोग ऑटो में नहीं बैठे थे। पूजा और मीरा होटल इंटरनेशनल में चल के गई थी, ये बात मरीन जानती है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मीरा सुबह नजर नहीं आई तो मरीन ने पूजा को फोन किया। मरीन के जाने से पहले हम लोग ऑटो में बैठ के हॉस्टल चले गए थे, ये बात मरीन ने पूजा से जरूर कही होगी। किसी न किसी कारण से हमें बेवकूफ बनाने के लिए मरीन पूजा का साथ दे रही है। मरीन झूठ बोल रही है। ऐसी कौन सी बात है कि मरीन पूजा के लिए छुपा रहा है? मैं भी इस समय यही खोज रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, अब पूजा का कल वाला कॉल डिटेल्स मिल जाए तो पूजा मीरा के साथ होटल इंटरनेशनल किससे मिलने गई थी ये मालूम चल जाएगा। क्योंकि मैं ये बात समझ चुका हूँ कि पूजा और मीरा दोनों होटल इंटरनेशनल गई थी, और ये बात कि मीरा और पूजा दोनों होटल इंटरनेशनल गई थी मरीन जानती है। अगर इस केस को बाहर से देखा जाए तो फिर साफ साफ हमें समझ में आता है कि क्या हुआ होगा। सिर्फ 8,000 रुपये मीरा की सैलरी है, सेम डिपार्टमेंट में सेम एक्सपीरियंस पूजा रखती है, तो उसकी भी 8,000 रुपये होनी चाहिए। फिर पूजा के पास इतने सारे कॉस्ट्यूम्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, गोल्ड, वो भी इतने महंगे। उसका सिर्फ मोबाइल ही 30,000 से कम का नहीं होगा। LIC कंपनी में काम कर रहे पूजा के पति, मुझे नहीं लगता कि उसकी भी सैलरी 10,000 से ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर ये सब कहां से आया? पूजा आखिरकार करती क्या है? होटल इंटरनेशनल जो है वो एक 4-स्टार बिजनेस होटल है। रूम रेंट एक रात के लिए 8,000 है। वही तो मैं सोच रहा हूं कि पूजा कोई छोटा गेम नहीं खेल रही। ऐसे ही देखा है। मीरा भी पूजा की बहुत रिस्पेक्ट करती है। वो दोनों हमेशा तो कभी नहीं झगड़ती थी सर। एक बार जब मैं उनके कमरे के पास से गुजर रही थी तब मैंने उनकी बातें सुनी थी सर। यही कि मैं दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फ्रूट वगैरह खरीदने के लिए वहां रुक गए थे। बस मिस हो जाएगी ये सोच के जोस पहले ही वहां से निकल गई थी। छह 10 की मिली सर, अगर वो छूट जाती तो 6:50 की मिलती। होटल इंटरनेशनल के सामने जो लड़की साथ में थी वो राखी थी।
हाँ रोशन, कॉल डिटेल्स का पता चला? जी। तुम्हें किसी के ऊपर शक है? हाँ, उस दिन पूजा के मोबाइल पे उसके हस्बैंड का 3 बार कॉल आया था। 2 बार पूजा ने अपनी माँ से और 1 बार अपने हस्बैंड से बात किया था। उसके बाद सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे और 5:15 बजे आए कॉल्स को हमने मार्क कर दिया है। और इसी सेम नंबर पर पूजा ने 2 बजे वापस कॉल किया था। वो नंबर किसके नाम पे है पता चला क्या? हाँ सर, उसका नाम क्लेमेंट है। उसका पूरा नाम एमर्सन क्लेमेंट है। उम्र 21 साल है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। तो फिर हमारा काम हो गया समझो। सोलोमन, बात वो नहीं। 6:30 बजे मीरा ने पूजा को कॉल किया था। इसका मतलब उस वक्त मीरा पूजा के साथ नहीं थी। हाँ, ये मैं जानता हूँ। हमारे सामने ऑटो वाले ने जो भी कुछ कहा वो सब सही है। मीरा होटल के बाहर इंतजार कर रही थी और उसने ठीक 6:35 पर पूजा को जल्दी आने के लिए कॉल किया। हाँ। तुमने उस लड़के की डिटेल्स निकाली है क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ, क्या है? मैं बस थोड़ी ही दूर हूँ। क्या है, पहले बात तो बताओ मुझे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम वहीं रुको। इसने तंग तो नहीं किया? नहीं सर। ये कैसे मिला? इसकी गर्लफ्रेंड से फोन करके बुलवाया मैंने। तुम्हारा नाम क्या है? क्लेमेंट, एमर्सन क्लेमेंट। आई थिंक यू आर ए जेम्स बॉन्ड फैन। एमर्सन क्लेमेंट, तुम डरो मत, हमने तुम्हें यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया है। मेरा नाम सोलेमन है, मैं CI हूँ। यह है मेरा दोस्त रोशन। अभी 27 तारीख को, यानी कि 2 दिन पहले, होटल इंटरनेशनल में रूम लिया था ना? हाँ, लिया था। किस लिए लिया था? मेरे 2 दोस्त हैं, उन्हीं से मिलने के लिए जाता रहता हूँ वहाँ। कितने बजे मिले थे अपने दोस्तों से? शाम को कोई 4:30 बजे होंगे। फिर उसके बाद? उसके बाद मेरे फ्रेंड चले गए और मैं घर आ गया। क्लेमेंट, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? उनका बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस? गोल्ड का। तुम्हारा मतलब ज्वेलरी का? वही है। कितने ब्रांचेस हैं? 15 ब्रांच है। कहाँ कहाँ? सब शहर में है। उस दिन तुम अपने रूम को चेकआउट करने के बाद वापस उसी रूम में क्या करने गए थे क्लेमेंट? नहीं, मैं वापस नहीं गया। आप लोग मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं कौन हूं शायद आप जानते नहीं। देखो क्लेमेंट, मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। क्लेमेंट, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हें यहां मारने पीटने के लिए बिल्कुल नहीं बुलाया। यह मेरा काम नहीं है। लेकिन मुझसे सच तो बिल्कुल मत छुपाना क्लेमेंट, क्योंकि मेरे पास सारे डिटेल्स हैं। अभी मैं तुमसे जो भी सवाल करूंगा उसका सही सही जवाब देना। नो सर, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। रोशन, कॉल डिटेल्स तो देना।
अभी 27 तारीख को तुमने जो भी कॉल किए थे उन सब के डिटेल्स मेरे पास हैं क्लाइमेंट। उस दिन ठीक 10 बजे तुमने पूजा को बुलाया था। पूजा ने फिर तुम्हें 2 बजे कॉल किया, फिर वापस 5 बजे तुम्हें कॉल किया, यानी उस दिन पूजा ने तुम्हें कई बार कॉल किया। सिर्फ यही बात नहीं, एक दिन पहले तुमने रात को ही होटल इंटरनेशनल में जाकर क्लेमेंट तुमने रूम बुक किया, फिर उस दिन 6:10 पर पूजा आई। उसने होटल स्टाफ को बताया कि वो अपने फ्रेंड से मिलने आई है। पूजा ने जो नंबर बताया था होटल स्टाफ ने उसे नोट कर लिया था। अब मुझे उस दिन की सच्चाई तुमसे जाननी है। उस दिन जो कुछ हुआ था मुझे साफ साफ बताओ। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है क्लाइमेंट। तुम दोनों ने मिलकर उस बेचारी लड़की को क्यों मारा बताओ मुझे। पूजा उस दिन तुमसे मिलने क्यों आई थी ये भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। रो रहे हो लेकिन रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें सच बताना ही होगा। सर मैं उससे पहली बार तब मिला था जब मैं अपने दोस्तों के साथ टेक्सटाइल गया था। किससे? पूजा। कितने दिन पहले मिले थे? 6-7 महीने पहले मिला था। पहली मुलाकात में ही मैं उसे चाहने लगा और वो भी मुझे चाहने लगी, मैं समझ गया था। बाय। और मैं उससे वहां मिलने के लिए बार बार जाने लगा। और एक दिन उसने जींस के टैग में अपना नाम और नंबर लिख दिया और उसके बाद हम दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। मैं पैसे वाला हूँ ये जानकर उसने मुझे लूटना शुरू कर दिया और मैं उसे पैसे देने लगा। जैसा सर ने कहा वो बिल्कुल सही था, जितने भी गोल्ड के रिंग और बैंगल थे सब मैंने उसे दिए थे। फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी सर। और एक दिन उसने डायमंड नेकलेस के लिए मुझसे 1,00,000 रुपये मांगा। जब मैंने पैसा देने से मना किया और कहा कि मैं डायमंड नेकलेस नहीं दिला सकता तो सर वो मुझ पर भड़कने लगी और गुस्सा हो गई। 1 महीने पहले उसने मुझसे 10,00,000 रुपए की डिमांड की और जब मैंने नहीं दिए तो उसने मुझे दोबारा से बेइज्जत किया, पर मैं वो भी बर्दाश्त कर गया। फिर भी मैं सर पूजा को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। वो जब चाहे मुझे जी भर के बेइज्जत करती फिर भी मैं उसके लिए पागल था। उसके बाद भी उसने मुझसे पैसे मांगे। जब बार बार मैंने उसे मना किया तो उसने मुझसे मिलना भी छोड़ दिया। मैंने उसे समझाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन मैंने उसको होटल शीशोर में मिलने के लिए बुलाया। पहले जाके नहा के आओ। चलो नहीं। चलो नाटक देखो पूजा। और उसने वहां मुझे धोखा दिया। उसने मुझे बाथरूम में भेजकर मोबाइल का वीडियो ऑन करके कमरे में छिपा दिया और उसने मुझे ये सब ब्लैकमेल करने के लिए किया जिससे वो मुझसे पैसे निकलवा सके। Bye.
मुझे बार बार धमकी देने लगी। और एक दिन जब मैं पूजा के साथ कार में था तुम इतनी शांत क्यों हो? मैंने जो पैसे बोले थे उनका क्या हुआ? पूजा तुम मजाक कर रही हो क्या? आखिर में इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? 10 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास जितना भी कैश था सब तुम्हें दे दिया। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार है। तुम अगर चाहो तो 10 लाख क्या 10 करोड़ भी लाकर दे सकते हो। तुम क्या पागल हो गई हो? मैं कितनी बार कहूँ मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ मैं पागल हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। चल बाहर आ। मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन करो जरा। चल ऑन करना। आप पूजा ये सब गलत है, प्लीज इसे डिलीट करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुमसे पिछले 1 महीने से बड़े प्यार से पैसे मांग रही हूँ लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बोलो कब तक दोगे? दे दूंगा पूजा, पूरे दे दूंगा, पर इतने सारे पैसों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब इसे डिलीट कर दो। कैश जब तुम मुझे दोगे तब मैं तुम्हें ये फोन वापस करूंगी। उसके बाद तुम खुद ही इसे डिलीट कर देना। तब तक इसे मेरे पास ही रहने दो, मैं इसे सेफ रखूंगी। प्लीज पूजा तुम इसे किसी को मत देना। नहीं दूंगी, पर याद रखना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे मेरी इज्जत की परवाह नहीं है। मैं किस तरह की लड़की हूँ मेरा पति जानता है। कैश, अगर तुम कैश दोगे तो मेरा पति खुश होगा। अच्छा मुन्ना बता अब कब कैश देगा? दूंगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतने पैसों के लिए टाइम तो लगेगा ना। बहुत अच्छे, अब तू मेरी आखिरी बात सुन। जितना बोला उतना पैसा नहीं दिया तो मेरे प्यारे मुन्ने सारी पॉन साइट्स पर ये वीडियो इतना धमाल मचाएगा कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब जो भी होगा वो सब तुम्हारे हाथ में है। पूजा उसके बाद मैंने फोन पे बात करने से ज्यादा अच्छा होटल में बुलाना ज्यादा अच्छा समझा। जैसा कि मैंने सोचा था 2 दिन बाद होटल इंटरनेशनल में मैंने उसे बुलाया। मैंने उसे ये कहा था कि होटल पहुंचते ही मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा और वो मेरी बातों में आ गई। जैसे ही पूजा की ड्यूटी खत्म हुई वो होटल आ गई। पूजा वहाँ कितने बजे आई थी? 6 बजे के बाद आई सर। रूम के अंदर आते ही उसने मुझसे पैसे मांगे। यस कम इन। मैं जानती थी 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे पति को अब एक कार भी चाहिए। मैंने सोचा जब गाड़ी लेनी है तो अच्छी ही लेते हैं। अब जल्दी से पैसा दो, हम बाद में आराम से मिलते हैं। बाहर मेरी दोस्त मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना है। क्या हुआ अब इतना सीरियस होके क्या सोच रहे हो? पूजा कैश रेडी नहीं है, मैंने झूठ बोला था। मैंने तुझे अच्छे से समझाया था ना, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। अब तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। अब मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ मीरा मैं आ रही हूँ, तुम ऑटो रोक के रखो। ए पूजा मेरी बात तो सुनो, मैं पैसे जल्दी दे दूंगा। तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, जैसे मिलती है बताता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? सही सही बताओ मुझे। फिर मैंने सोचा
कि किसी भी कीमत पर मुझे वो वीडियो डिलीट कराना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसे होटल के बाहर से फॉलो किया। उस वक्त बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। फिर मैंने हॉस्टल की तरफ जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला। और फिर मैं उस रास्ते से हॉस्टल की तरफ जाने लगा। मैं ये जानता था कि मेरी जो समस्या है वो पूजा को मार कर ही खत्म होगी, और मैंने पूजा को मारने का मन बना लिया। फिर मैं हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। पूजा से बचने का और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ मुझे अभी पैसे नहीं मिले हैं, हाँ मैं फोन करती हूँ।
जानबूझकर मीरा को नहीं मारा सर, लाइट जाने की वजह से मैं उसे नहीं पहचान पाया। पूजा जब रूम के अंदर गई तो मैंने देखा था, उसकी साड़ी, छाता और बैग भी सब रूम के अंदर ही था सर। और जब पूजा रूम के अंदर गई तब मेरा सारा का सारा ध्यान केवल पूजा के ही ऊपर था सर। लेकिन फिर वो कहां गई मुझे नहीं पता सर। मुझे लगा बाथरूम के अंदर पूजा नहा रही है, पर लाइट आने के बाद जब मैंने उस लाश को देखा तो वो लाश मीरा की थी। अभी मीरा कहाँ है, किधर है, किधर है मीरा? कत्ल की हुई मीरा की लाश कहाँ है? लाश को क्या किया? किसी को भी कुछ ना पता चले इसलिए मैंने उस लाश को वहां से हटा दिया, और फिर मैंने उस लाश को वहां से ले जाकर वाटर टैंक के अंदर डाल दिया। वाटर टैंक के बारे में तुम्हें कैसे पता? मैं पहले भी पूजा से मिलने के लिए हॉस्टल कई बार आ चुका था, इसलिए वहां के बारे में मुझे सब पता था। रोशन, हमें तुरंत हॉस्टल चलना चाहिए, वहां जाकर देखेंगे कि ये जो कह रहा है इसमें कितनी सच्चाई छिपी है। ओके। यहाँ पे वाटर टैंक कहाँ है? वो वहां पर है सर। चलो मुझे दिखाओ। हाँ। इधर ही है, मैं बुलाता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया? पूजा, तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए थे ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि जो तुम बच गई, लेकिन बदले में किसी बेचारी लड़की की जान चली गई। सर, मीरा। मीरा, मीरा का कत्ल हो गया। हाँ? और किसने मारा जानती हो? क्लाइमेंट, एमर्सन क्लाइमेंट। वे तुम्हें मारने आया था, लेकिन बिजली चले जाने की वजह से बेचारी मीरा मारी। क्लाइमेंट ने सब बता दिया है, अब वो पुलिस कस्टडी में है। तुमने जो भी मोबाइल में शूट किया था वो सब भी क्लाइमेंट ने पुलिस को बताया है। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम जाकर वो फोन लेके आओ। अब रोने से क्या फायदा, तुम्हें तो 10 लाख रुपए चाहिए थे ना? कार भी बड़ी वाली चाहिए थी, क्लाइमेट ने बताया था। क्या ये सच है? ये सारी बातें तुम्हारा पति जानता है? वो जानता है सर, उसे सिर्फ पैसे से मतलब है, वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। खैर ये सब छोड़ो, मरीन से तुमने क्यों झूठ बुलवाया?
मीरा का खून हो गया है ये मैं नहीं जानती थी सर। मीरा गायब है इस बात की इंक्वायरी अगर आगे बढ़ती तो सर मेरे और क्लेमेंट के रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाता। मुझे इसी बात का डर था। मरीन को पता है कि क्लेमेंट और तुम्हारे बीच? मरीन और मीरा उसे जानते थे लेकिन उन दोनों को मेरे और क्लेमेंट के रिश्ते के बारे में नहीं पता था। तुम्हारे पास कमाल का दिमाग है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। कहाँ है वो? वो वहां है सर। पोस्टमार्टम के लिए इंतजाम करता हूं। चलो। नहीं इस केस में कैसे मैं इंटर हो गया। संजय मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। जब उसकी पत्नी गायब हुई तो उसने सिर्फ मुझे अपने साथ चलने को कहा लेकिन कुछ ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह घटना सचमुच बहुत डरावनी थी, दिल दहलाने वाली। अभी आप कहां जा रहे हो? किसी दूसरे केस की इंक्वायरी के लिए जा रहा हूं। वहां पर भी किसी को मेरा इंतजार है, यही तो मेरा काम है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोलोमन, मेरी शुभकामना है। आपका इस केस में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से मेरा काम आसान हो गया सोलोमन। रोशन, जो मोबाइल मैंने हॉस्टल से लिया था वो पूजा को वापस कर देना। अब उस मोबाइल से हमें क्या काम, और वीडियो तो ऑलरेडी डिलीट।